हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और गणपति जी के दिन चल रहे हैं, गणपति बप्पा मोरिया, सेकेंड डे उनका आज इस घर में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग कीर्तन भजन कर रहे हैं। वीडियो इसीलिए लेट भी हो गया है क्योंकि डेली मैंने अपने घर में कीर्तन रखे हैं, तो इसी तरीके से हम रोज़ गणपति जी का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हें याद करते हैं, स्मरण करते हैं और उनको मनाते हैं अपने घर में। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप गणपति जी को अपने घर में स्थापित करेंगे या किसी भी भगवान को लेके आएंगे तो उनके सामने कीर्तन भजन करने से बहुत खुश होते हैं भगवान। भगवान का जैसे भोजन कहते हैं ना, तो ये कीर्तन भजन ही होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखिए आज रेड कलर की थीम रखी है और सभी ने रेड कलर की ज़्यादातर साड़ी पहनी है। और जिसको जैसा भी भगवान को मनाना था, नृत्य करके या डांस करके जो भी लगा लीजिए आप, तो भजनों में सब लोग डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर हम लोग ढोलक नहीं भी हमारे पास तो तालियों से ही बहुत अच्छे कीर्तन हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था कि कोई ढोलक बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई तालियां बजा रहा है। तो हमारे दिन जो है इसी तरीके से हम लोग अपने जो गणपति जी को लेके आए हैं तो बहुत अच्छे से हम लोग अपने दिन को इस तरीके से गुजारते हैं। और गणपति जी का भोग दोपहर में भोग लगाने के बाद जो 3:30 बजे से जो है कीर्तन शुरू हो जाता है, उसके बाद सभी लोग आते रहते हैं और जिसको जिस गाने में अच्छा लगता है उस गाने में डांस करते हैं, आप देख भी रहे होंगे। उसके बाद जो है सुबह ही मैं आरती कर लेती हूँ, आरती करने के बाद भगवान को भोग लगा लेती हूँ। इस समय मैं भोग जो है वितरित कर देती हूँ, इस बहाने से जो मेरा भोग है वो भी सब पे बराबर वितरित हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है सभी को। और इसी बहाने से घर में शांति भी हो जाती है कि भगवान का इसी तरीके से नाम लिया जाता है। तो हम लोग सब जो है बेसिकली उत्तराखंड के ज़्यादातर, तो उत्तराखंड में देखिए जो आपने देखा होगा पिछौड़ इन्होंने पहना हुआ है, ये पीले रंग का, ये इसे पिछौड़ कहते हैं। तो ये जरूर पहना जाता है किसी भी शुभ काम में। तो इस तरीके से सब लोग जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने 5:30 बजे तक इसी तरीके से कीर्तन किया। और आगे मैं दिखाऊँगी कि मैंने, मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगा, टाइम मिला तो थोड़ा सा मैंने भी जो है अपना नाच गा के जो अपनी खुशी है वो जाहिर की है। गणपति बापा इसी तरीके से सबके घर में आते रहे और बहुत अच्छा लगता है कि गणपति महाराज हमारे घर में आए हैं और हम लोग भी इसी तरीके से पूरे साल गाते बजाते रहे परमात्मा करे, और सभी के घर में गणपति बापा इस तरीके से खुशियाँ देते रहें। और ये जो पूरा पंडाल दिख रहे होंगे तो जिस पे गणपति स्थापित हुए हैं, तो ये मैंने ही बनाया। अगर आप देखेंगे तो उसका यूट्यूब लिंक मैं आपको दे दूँगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है, तो वो मैं आपको पूरा लिंक दे दूँगी। उसके बाद मैंने ये स्पेशल जो फोकस लाइट होती है वो मैंने इसमें लगाई हुई है, जिससे ये बहुत ब्राइट हो रहा है। बट ये सामने से बहुत अच्छा लग रहा था, पिक्चर में थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है। उसके बाद फिर सबने प्रसाद लिया, जैसे कीर्तन जो है समाप्त हुआ और प्रसाद लेके सब अपने घर में गए। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा डे इन्जॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।